टमाटर के नाल सजाया हुआ ਕੁਛੇਰਾ ਸਜਾਇਆ ਦਾ ਲੋਟਰੀ ਮਿਰਚੇ ਚੱਟਦੀ ਤੇ ਚੱਲੀ ਦਾ ਨਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਇਹ ਦਾਨਾਬਾਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਭਾਂ ਪਾਵਾ ਥੋੜੀਆਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਵਿਜੇ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਹਾਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰੋ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਚਲੋ ਬਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 180 ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ 100 ਵਿੱਚ ਦੋ ਉਧਰ ਮੋੜਦੇ ਆਂ ਕੋਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾੜਾ ਟਮਾਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੋੜਦੇ ਆਂ ਕੋਲ ਅੰਦਰ महंगाई ਫਰੀਦ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਲੰਬਾ ਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗਾ ਮੂੰਹ ਚ ਲਾਈ ਲਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਨਾ ਗੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਸਾਰੇ ਸੋਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਮਾਟਰ ਸੁੱਤਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਜੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਹਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਟਮਾਟਰ ਲੈ ਗਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਬਸ ਟਮਾਟਰ ਲੈ ਗਏ ਸਾਰੇ प्रधान जी थोड़ा गाँव आया जगह मैं कहना चाहूंगा कि ये जो टमाटर के रेट है बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। पंजाब में हाहाकार मचा पड़ा, जैसे पाकिस्तान में 1000 रुपए किलो हो गए थे, अब जहाँ पे 100 रुपए हो गए। मेरा ख्याल है अगर इसको ना रोका गया तो ये 500 से ऊपर चले जाएंगे। ये ब्लैक मेल जो कर रहे हैं लोग, स्टोर करी बैठे हैं, उनके ऊपर सरकार को कवर करना चाहिए, सरकार को उनकी सूत लेनी चाहिए, प्रशासन को भी चाहिए भी 10 रुपए का रेट 1000% बढ़ा देना एक दिन में। कभी धनिया का रेट 400 रुपए कर देते हैं, कभी मटर का 150 रुपए कर देते हैं, 200 रुपए कर देते हैं, ये सब ब्लैकमेल है। और जो केले दर्जन के हिसाब से मिलते थे, अब तोड़ कर देने लगे। 60 रुपए दर्जन आते थी, अब 60 रुपए के नहीं 120 रुपए की दर्जन आती है, और उसमें भी आधे होते आधे छिलके होते हैं। लूटा जा रहा है सरे, हम कोई बोल नहीं रहा। आज किस तरह प्रोटेस्ट कर रहे हो? प्रोटेस्ट कर रहा है भी, मैं दुल्ला बनकर जा रहा हूँ, और ये रात रूप मेरा सजा हुआ है, ये मेरे हाथ में टोकरा है, जहाँ पर ये रिबन काटने की कोई रस्म होती है रास्ते में, वहाँ पर सालियों को पैसे की जगह पर टमाटे का ये छोका पेश करूँगा। और ये असला इसलिए उठाया कि इसको कोई लूट कर न ले जाए, क्योंकि पंजाब में थोड़े हालात मरे। क्या कहना चाहेंगे तो सरकार को? सरकार से बस बेनती कर सकते हैं भाई, इनसे जो स्टोर वाले हैं इनको, प्रशासन को भी चाहूँगा, प्रशासन भी कर सकता है, सरकार तो कर ही सकती है भी, कम से कम महंगाई से तो राहत दो ना। हर चीज महंगी है, दाल 100 रुपये है, 110 रुपये किलो होगी। अगर होटलों पर लेने जाते हैं तो 1000 रुपये किलो की पड़ती है। कोई बोलने को तैयार ही नहीं, मैं तो हैरान हूँ यार। 30-30, 40-40 रुपये की रोटी बिक रही है होटल पे, और कोई नहीं बोल रहा, इतने खामोश क्यों है? मेरा तो सवाल है, इसीलिए मैंने भाई जी अपनी रक्षा के लिए असला उठाया हुआ।